सिंघम अगेन में सलमान खान के कैमियो को लेकर रिसेंटली एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट हमें देखने को मिला था, जहां पर रोहित शेट्टी एंड अजय देवगन ने ये डिसीजन ले लिया था कि वो सलमान खान को कॉल नहीं करते कैमियो के लिए, बिकॉज सलमान खान के डियर फ्रेंड बाबर सिद्दीकी रिसेंटली गुजरे हैं एंड ये लॉस के साथ सलमान ऑलरेडी कोप कर रहे हैं, इस करके वो सोच रहे थे काफ़ी इनसेंसिटिव रहेगा अगर वो इस मोमेंट पर सलमान खान को ये कैमियो शूट के लिए बुलाते हैं। लेकिन गाइस अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आ गया है एंड काफ़ी बड़ी और एक्साइटिंग खबर होगी सारे उन लोगों के लिए जो कि कल वाली खबर को सुन के डिसअपॉइंट हो गए थे। तो गाइस चुलबुल पांडे यानी कि दबंग वाला जो कैरेक्टर है वो जो उनका कैमियो कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ये आया है कि गाइस अब फिर से इनका जो कैमियो है वो हमें सिंघम में देखने को मिलने वाला है। जो कैंसिलेशन थी उसे ही कैंसिल कर दिया गया है। बात ये हुई कि अब रिसेंटली सलमान खान ने अपनी जो शूटिंग है इस कैमियो की वो कर ली है मुंबई में एंड अजय देवगन के साथ रोहित शेट्टी के साथ ये जो शूट है वो हो गया है, जहाँ पर हमें चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम का मीटअप देखने को मिलेगा। ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन में आएगा यानी कि जब मूवी खत्म हो जाएगी उसके क्रेडिट्स के बाद ये सीन हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि अजय देवगन एंड रोहित शेट्टी तो ये सोच रहे थे कि काफ़ी इंसेंसिटिव रहेगा अगर वो इस मोमेंट पे सलमान खान को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि आकर शूट करो, लेकिन सलमान खान ने अपनी कमिटमेंट ऑलरेडी दी हुई थी एंड जैसा कि वो अपनी मूवीज़ में भी कहते हैं एक बार वो कमिटमेंट कर देते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते और वो अपने आप की भी नहीं सुनते, तो उन्होंने वैसे ही किया। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट रखी और अपने दोस्त अजय देवगन एंड दोस्त रोहित शेट्टी के लिए अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरते हुए भी उन्होंने अपने शूट को कंप्लीट करने का फैसला लिया, वैसे ही जैसे कि बिग बॉस 18 को भी उन्होंने शूट जो है नहीं छोड़ा था एंड वहाँ पर भी उन्होंने कंप्लीशन करी थी। जैसे कि बिग बॉस के सेट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सिक्योरिटी के साथ वो शूट पे आए थे, वैसे ही जो सिंघम का शूट प्लान है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी के साथ होने वाला है, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलते हुए भी सलमान खान अपने शूट्स को कैंसिल नहीं करना चाहते एंड अलग अलग शूट्स जो हैं जो भी अपने कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर चुलबुल और सिंघम का जो क्रॉसओवर है वो अब कंफर्म हो गया है एंड लास्ट मोमेंट पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वरना कल तक तो ये चीज़ ऑलमोस्ट फुली कैंसिल ही हो गई थी। अब यहाँ पर एक और काफ़ी बड़ा अपडेट है वो ये है कि गाइस सिंघम जो है सेंसर बोर्ड को मैंने आपको बताया था कि उन्होंने सबमिट करनी थी और कर भी दी थी इस कैमियो के बिना, और अब यहाँ पर ये है कि ये जो कैमियो शूट कर लिया गया इसको अलग से सबमिट किया जाएगा सेंसर बोर्ड में और सिंघम बाकी की जो मूवी है वो अलग से सबमिट करी जाएगी। यहाँ पर पॉइंट ये है, कि ये भी काफी बड़ा पॉइंट है कि इससे एक और अच्छी चीज होगी कि लीक्स जो हैं उनके चांस कम हो जाएंगे, बिकॉज दोनों सीन्स को अलग अलग सेंसर बोर्ड में भेजा जाएगा। आने वाले दिनों में और इसके रिलेटेड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट्स में अपनी रिएक्शन जरूर बताइए आप इसके साथ सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।